जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। और 2023-24 में काम करने वाले अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा है कि अब अतिथि शिक्षकों की जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा, देर भले ही हो जाए लेकिन सबका निराकरण होगा, एक एक करके मैं सबको नियमितीकरण दिलाऊंगा। दोस्तों अब अतिथि शिक्षकों के लिए क्या होने जा रहा है, DPI से कुछ संकेत मिले हैं। बात हुई थी कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय डबल को लेकर तैयारियां चल रही हैं दोस्तों। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 27 अगस्त को ही घोषणा कर सकते हैं अतिथि शिक्षकों के बारे में, या 5 सितंबर को? 5 सितंबर तक अतिथि शिक्षक इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में अतिथि शिक्षकों का कहना है कि हम उम्मीद छोड़ देंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। और यहाँ पर इस तरह की जानकारी मंगाई गई है, आप देख सकते हैं। अतिथि शिक्षक का उपस्थिति पत्रक है, जन शिक्षा केंद्र का नाम यहाँ पर, और जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से जितने भी अतिथि शिक्षक जन शिक्षा केंद्र में काम कर रहे हैं दोस्तों, उनकी जानकारी इस प्रपत्र के द्वारा मंगाई गई है। यहाँ पर शाला का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, शाला का डाइस कोड, माह का नाम और उपस्थिति। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रमांक दिया है, शाला की दर्ज संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, अतिथि शिक्षक का नाम, कितने अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं यहाँ पर कालम नंबर 3 में आप देख सकते हैं दोस्तों। और चौथा जो कालम है यहाँ पर पिता का नाम आपको भरना है। सातवां अध्यापन का विषय, आप किस सब्जेक्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, और अगर स्कोर कार्ड में आपका जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों जिससे आपका अतिथि शिक्षक में चयन हुआ है उस सब्जेक्ट को आप यहां पर दर्शा सकते हैं। महाअध्यापन कराए गए कुल कालखंडों की संख्या, और यहां पर आप अपने कालखंड, दोस्तों कई संकुलों में होता क्या है कि 4 का मानदेय देते हैं जबकि 5 और 6 का प्रावधान है अतिथि शिक्षकों को, क्योंकि 6 पीरियड अतिथि शिक्षक पढ़ाते हैं। और जो अतिथि शिक्षक पूरा समय देते हैं विद्यालय में 10 से 4 बजे तक, वह 6 कालखंड भर सकते हैं। और इसके बाद में बैंक का IFSC कोड आवश्यक रूप से यहां पर बैंक का, और इसके बाद में बैंक का शाखा का नाम, आपका जो भी बैंक खाता क्रमांक है, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर आप अपना इसमें नाम भर सकते हैं। इसके बाद में 13वां जो कालम है दोस्तों उसमें आधार नंबर, और आधार नंबर अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि कुछ ही दिनों में जो पेमेंट डलेगी अतिथि शिक्षकों की वह आधार से ही डलेगी। और इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर वो ही आपको डालना है जिससे आप स्कोर कार्ड निकाल सकते हैं जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। और अतिथि शिक्षक उपस्थिति प्रतिमाह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करावें एवं अध्यापन करा गए कालखंडों की संख्या उल्लेख आवश्यक रूप से करें। और कई जगह मीटिंग भी चल रही है दोस्तों जिससे कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय है वो समय पर मिल सके। इस बार जिक्र हुआ था कि अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है वो 8 तारीख तक उनके अकाउंट में आ जाना चाहिए, 5 तारीख तक ये जानकारी आपको किसी भी हालत में भेजना है भाइयों। और आपके संकुल में आपके बाबू द्वारा जो भी काम करना है वो जल्दी से अगर किया जाए तो अतिथि शिक्षकों का मानदेय समय पर मिलता रहेगा। बाकी नए नए अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूंगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, और अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं दोस्तों जल्द ही मैं आपको फिर एक और अपडेट लेकर आ रहा हूँ। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।